न्यूज़ आपसे देता आपको बताता चलूँ कि फवाद खान और सनम सईद एक वेब सीरीज़ में आने वाले हैं और ये सोनी लाइफ के लिए जो कि भारतीय ओ टी प्लेटफॉर्म है उसके लिए पाकिस्तानी डायरेक्टर आसिम रज़ा बना रहे हैं जिन्होंने पहले परे हट और एक और होम अन बनाई थी और हमारे एड डायरेक्टर्स हैं तो वो एक वेब सीरीज लेके आ रहे हैं आई नो आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ओह यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सॉरी इंफॉर्मेशन अब बताएं इंफॉर्मेशन ये तो मेरा खबर नहीं मुझे बता रहे हैं हां आप हमें बताएं चले

और 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 फिर हमने हमने किया 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 है है लाहौर में और कितनी में कितनी छुपी रुस्तम कब में? करके आगे बताया भी नहीं किस वक्त आपने ये ये मैंने आप ये करते करते, करते किया कर किया मैं कह रहा कि हा definitely, हा 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 okay. के दौरान <laughs> तकरीबन मेरा काम फिनिश किया था और उसका एक बिट रह गया था जो अभी चार महीने पहले खत्म किया

कर <laughs> <laughs> एपिसोड 15 और 16 फोर प्लस मिलियन व्यूज चार दिन तक तो उसके हो गए थे हाँ. तो पीपल आर वाचिंग लोग डिस्कस कर रहे हैं मैं देख रही हूँ शायद रिव्यू करें ना मैं इस एपिसोड इसके जरूर देखती हूँ जैन गायब थे एक्सेप्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट सीन बेहद वो भी ड्रीम सीक्वेंस था uh, दोनों एपिसोड देखिए मुझे इस दफ़ा राइटर्स से मसले हुए थोड़े मुझे राइटिंग में बहुत क्वेश्चन थे मेरे जहन में okay. कुछ मुझे जुमले नहीं समझ आए कुछ सिचुएशन मुझे समझ नहीं आई और कुछ शॉर्ट्स मुझे समझ नहीं आए कि ये ऐसे क्यों थे आ, तो, जी का हाँ इस इस हा, लेकिन वो 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 नहीं नहीं, नहीं वो मैं सवाल वो हा, मुझे इनसे कीजिएगा के साथ हुआ कि मामू ने इतनी बुरी तरह उसको मारा सुना भी नहीं बात भी नहीं हुई और ख़त्म हुआ तो ऐसे बैंक पे विच वॉज़ माई फेवरेट क्लाइमेक्स बाय द वे सारे जो हम ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं क्लाइमेक्स बेस्ट जो था रथ का yeah. था डोंट यू एवर टच अच्छा लगे और उसको मुझे तुम जो मर्जी कह लो सलार कैरेक्टर बहुत प्यारा है और उसके अंदर इतनी एक बचपना है महरूमी है जो उसकी लाइन है कि भी मुझे मम्मी के बाद आज पहली रात है कि मुझे डर नहीं लगेगा कमरे में तो मैं कह यार पहले तो मुझे इरीटेट भी किया मैं क्या ये लाइन है क्यों बोल रही है फिर मैं नहीं देखो ना उसका जो उसके सा वो शख्स सबसे बड़ा गरीब होता है लाइन बिल्कुल सही है कुछ बड़ी अच्छी भी कुछ लेकिन मेरे सवाल फिर भी हैं मामू के साथ बंद कमरे में क्या बात हुई ईमान ने क्यों ले लिया तलाकनामा देट वॉज मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो समझ नहीं मुझे समझ ही नहीं मैं कि क्यों उसने लिया दो दिन मांगे हैं उसने फिर साल बाद में सम, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि उसने बाप के इलाज के लिए पैसे मांगे हैं

फिक्स कर ली थी तभी मामू ने अगले दिन सुबह कहा कि तुम अब क्यों हो यहाँ तुम्हें अभी चले जाना चाहिए था जब हमारी डील हो गई है ना तो शी सेड हाँ मैंने सोचा था फिर वो उसने जरा सा जो अम्मी थी उनके लिए एक दो बातें की सो बात नहीं नहीं डील तो उनकी आपस में कभी भी नहीं हो गई okay. कब हुई है? जब बंद थे में। जब वो हमें सुनाया हाँ। नहीं उन्होंने अच्छा ये वो ही वो, जगह है। वो, वो सीन उसके बाद आता है हाँ। वो डाइनिंग टेबल के बाद आता है। बाद भी गई तो है ना डील उसने लेकिन ले लिया सालार ने जो जब उसने ले लिया ना तो दो दिन का टाइम दे तो फिर उस वक्त उसने कहा वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ वो फिगर आउट लेने देखो क्लैरिटी लेने इस जगह की क्लैरिटी यही थी कि वो कहता है कि हाँ अब मुझे पता चल गया आपने ये पैसे मुझे तो ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है मुझे तो लग रहा है कि अच्छा वो इस वो इस वक्त सेम सारी गेम समझने के लिए उसने कहा कि मुझे ये भी पकड़ा है मैं ये भी समझूंगी मैं ये हाँ, भी मैं फिगर आउट समझू पैसे भी मुझे लग रहा है पैसे तो नहीं माना दोनों जगह दोनों बातें ठीक है क्योंकि ये हो भी सकता है जो हमें लगा दो चीजें लग रही है आउट इन दी ओपन कुछ भी नहीं Yeah, और ये हुक है ये हाँ, मुझे मुझे हाँ, तो लग रहा कि है कि नहीं वो तो उसने कहा कि अच्छा अच्छा ये गेम भी चल रही है हां वो बी अ पार्ट ऑफ दैट गेम लेट मी फिगर इट आउट कि हां मुझे तो ये लगा है पैसे नहीं मांगे उसने अभी तक बाकी सालार ने फर्स्ट टाइम अभी किसी के साथ अपने थोड़ी से हालात शेयर किए हैं बताए हैं मियां बीवी की थोड़ी सी अब दिखा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग दोस्ती

ब्रेकफास्ट सीन वाज वेरी गुड इनको ऐसी ही एक ऐसी टेढ़ी लड़की चाहिए थी इस फैमिली को सबका सीधा सबको सीधा करने के लिए भाई फिर भी फोर्च में मिला उसको मैं खाल अंदर उसकी एक लाइन लग मैं कह रही हूँ शुरू से मैं नोटिस कर रही हूँ भाई को या दो बातें हो सकती है ये घर का इंटीरियर कोई और है एक्सटीरियर एक्सटीरियर कोई और है। जब शूट किया तभी भाई अवेलेबल था हा, हा। उसके साथ एक ही दिन तो जो, जो कन्फ्रंटेशन होती, होती है एक हुई अंदर बहुत रेयर मतलब जैसे बाहर निकलो भाई बैठा होता है वो कहीं से आए उसने जरूर वो या जा रहा होता है वो खड़ा होता है पटाई करने के लिए सलार की वो मुझे लग रहा है कि यार ये ये क्या मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ घर से कोई निकला वो तो वहाँ होगा <laughs> इस फैमिली को बाहर गार्डन में तेरे बिन में तो समझ आए इस फैमिली के गार्ड्स क्यों खड़े हैं does not make sense सेंस गार्डन में इतने सारे गार्ड्स क्या गार्ड कर गार्ड रहे हैं वो मुझे काट रहे हैं वो मुझे काट रहे हैं ये हमारे डायरेक्टर्स को समझ देना चाहिए एक तो specially जब आप किसी ऐसे घर जो कि बहुत हाई एंड होते हैं जैसी फैमिली जो बहुत एलीट में होती है उनके

Uh, लड़के का शेयर करना अपना पास द ओनली थिंग दैट इज हाइडिंग फ्रॉम हर राइट नाउ इज द फैक्ट दैट दे थिंक हीज दैट द